तो देखिए दोस्तों, अभी इतना दूध निकाले हुए हैं और देखिए दोस्तों, 9 महीना बाद भी हमारी गाय देती है 1 बाल्टी दूध, आप लोगों के सामने है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सब लोगों का गोपी अर्चना ब्लॉग में। दोस्तों हाय करिए सभी लोग, हाय दोस्तों। और दोस्तों सुबह का 8 बज गया है और देखिए सूर्य देव इधर निकले हुए हैं और पूरा बढ़िया सा धूप हुआ है दोस्तों, एकदम बहुत दमदार धूप हुआ है, एकदम बहुत तेज। आज लग नहीं रहा है कि ठंडी का दिन है, इतना अच्छा धूप निकला हुआ है। अभी हम लोग चलेंगे गाय का दूध निकालने, गाय का दूध निकाल करके और जाएंगे जल्दी से बाजार, दूध दे करके आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आज हमको काम मिला हुआ है। तो काम मिला हुआ है दोस्तों, तो दोपहर के बाद वहाँ जाना है, क्योंकि दूध दे करके आएंगे तभी जा पाएंगे। और गन्ना का रोपाई में तो उसको घोहा भटाना है कुदारी से, फावड़ा से, तो उसी को पूरा 10 कट्ठा ठीका ले लिए हैं पूरा, उसको मतलब बोले हैं कि हम सबको भटा देंगे, दूसरे जाना को मत जोड़िएगा, तो उसको मतलब जितना पैसा होगा तो ठीका पर हो गया है। तो वो लोग अपना गेड़ी गिरा करके और खाद उद डाल देंगे इस समय, और हम जाते हैं दूध निकाल करके बाजार, उधर से आएंगे तो खा पी करके चलेंगे खेत में, नदी के उस पार जाना है आज दोस्तों। और दोस्तों अभी चलते हैं, पहले गाय का दूध फटाक से निकाल लेते हैं और चलना है बाजार, और बाजार से आएंगे तो काम मिला हुआ है नदी के उस पार, तो वहाँ पे चलेंगे दोस्तों कुदारी लेकर के। आ जाओ अर्चना, और अतवरिया को खिला पिला के फिट कर दिए हैं दोस्तों, बाल्टी भी यहाँ धो करके रख दिए हैं देखिए। और नंदू को तो खोलना बेकार है क्योंकि उसको दूध नहीं पिला रही है, तो एक बार ट्राई करिए लेते हैं दोस्तों, कहीं पिला देगी तो अच्छा रहेगा। चलो देखिए, ये जा नहीं रहा है, देखिए अभी छोड़े हैं इसको, देखिए क्या कर रही है। कल नहीं मतलब छोड़े थे नंदू को, बोले कि पिला नहीं रही है तो क्यों छोड़े, लेकिन आज ट्राई किए हैं कि कहीं पिला देगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं दूध पिला रही है। तो इसको बांध दिए दोस्तों यहाँ पर, अभी दूध निकालेंगे रस्सी लगा करके, रस्सी लाओ अर्चना। और देखिए दोस्तों, एक चाचा जी बताएं कि पानी से ऐसे मारो पहना जाएगी, और ऐसे ऐसे खींचना है जैसे बच्चा लोग बछड़ू लोग पीता है ऐसे, तो पहना जाती है। कल तो नहीं खोले थे, लेकिन आज खोल करके ट्राई किए कि कहीं पिया देगी तो ठीक रहेगा, लेकिन नहीं पियाई। और दोस्तों देखिए, हमारी गाय पहना गई, अब दूध निकालना चालू कर दिए हैं, गर गोई निकाल रहे हैं। और दोस्तों इतना धूप हुआ है फिर भी स्वेटर और टोपी लगाए हुए हैं, आप लोग जरूर सोचते होंगे कि टोपी क्यों लगाया रहता है, तो इसका भी कुछ वजह है दोस्तों, हम बताएंगे कभी किसी वीडियो में कि टोपी क्यों लगाए रहते हैं पूरा दिन। और देखिए दोस्तों, इतना भी निकाले हुए है दूध, पास में लाओ, देखिए अभी इतना निकाले हुए है, अभी भी दूध है इसमें, निकाल रहे हैं, पीछे लेके जाओ। तो दोस्तों पूरा दूध निकाल लेते हैं फाइनल, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए बाल्टी भरने में थोड़ा ही और बाकी है। और दोस्तों देखिए, हमारा दूध निकाला हुआ हो गया है, इधर लाओ पास में दिखाओ। देखिए दोस्तों, दूध निकाला हुआ हो गया है और इतना दूध निकाले हुए हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारी गाय का पूरा 9 महीना हो गया बच्चा दिए हुए, 9 महीने, और 9 महीने बाद भी इतना दूध है दोस्तों, आप लोग सोचिए कि हम क्या खिलाते हैं कि इतना दूध देती है। और हमारा मतलब एक आदमी बोल रहे थे, बताएं उनसे, तो बोले कि बछड़े को नहीं पीने दे रही है, इसका मतलब है कि तुम्हारी गाय गाभिन हो गई है। सीमेल डलवाए हैं दोस्तों 1.5 महीना पहले, 2 महीना, तो वो कह रहे थे कि गाभिन हो गई है, तो अभी तो पता चलेगा जब 4 महीना होगा, तो चेक कराएंगे डॉक्टर से तो पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी इतना दूध निकाले हुए हैं और इसमें नंदू का भी हिस्सा है दोस्तों, हम लोगों का ही नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा दे रही है इस समय। और चलते हैं तालाब घर में। और देखिए दोस्तों, 9 महीना बाद भी हमारी गाय देती है 1 बाल्टी दूध, आप लोगों के सामने है।
और चलेंगे दोस्तों हम तालाब घर में दूध लेकर के। चलो अर्चना। दोस्तों देखिए तालाब घर में हम लोग चल दिए हैं। आ जाओ अर्चना, आ जाओ, डब्बा लेके आओ। और छोटी वहीं पे है। अब बाबू कहाँ चला गया जी? देखिए वो खेलने निकल गया आज ही। मास्टर साहब नहीं आए हैं पढ़ाने तो। है छोटी, ये देखो। देखिए दोस्तों यहाँ पर तेल लग रहा है इसको, और देखिए बाल्टी पूरा भरा हुआ है। तो नंदू का भी हिस्सा निकालना पड़ता है, इसलिए भर जा रहा है। पहले कम, मतलब वो पीता था तो कम निकलता था दूध, लेकिन अब देख लीजिए पूरा फुल है, थोड़ा सा बचा हुआ है इतना। और दोस्तों देखिए हमारा दूध नापा जा रहा है। और दोस्तों देखिए हमारा दूध नापा हुआ हो गया है। अब हम चलेंगे दोस्तों बाज़ार, और जल्दी से उधर से आना है। मतलब सोच रहे हैं कि जितना जल्दी आ सकें तो ठीक रहेगा, क्योंकि खा कर के निकलना है काम पर। ये लीजिए मोबाइल। और दोस्तों देखिए हम दूध दे कर के आ गए हैं जल्दी से, और बहुत तेज़ धूप हुआ है दोस्तों। और देखिए खाना पीना हम खा चुके हैं आ कर के। और दोस्तों अब हम चलेंगे खेत में काम करने, नदी के उस पार काम मिला हुआ है गन्ना भटाने का, तो चलते हैं उधर और काम करने। कुदारी ले लेते हैं दोस्तों, और बहुत तेज़ धूप आज हुआ है, तो आप आइएगा पानी वानी लेकर के। कहाँ है कहाँ? देखिए गोदी लेने के लिए रो रही है, तो अभी इसको नहीं खिलाएंगे, जा रहे हैं दोस्तों। और पानी लेकर के आइएगा हैं। और दोस्तों नदी का आर पार है तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन ये लोग आएंगे बहुत बाद में। अभी तो 11:30 हो रहा है, तो 2-3 बजे आइएगा दोस्तों। चलते हैं। और दोस्तों देखिए नदी के पास हम पहुंच चुके हैं, अब नदी के उस पार चलेंगे दोस्तों। तो चप्पल पहले हाथ में ले लेते हैं, अभी तो गिरने से बच गया। और दोस्तों नदी में पानी इस समय कम है, तो इसको हेल जाते हैं, काहे कि नाव का व्यवस्था है नहीं। नाव है उधर, लोग ताला मार के रखे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों इतना पानी है, नदी कल इसी में दोस्तों गाड़ी वो लोग पार कर रहे थे, लड़का लोग, नया गाड़ी था और नदी के आर पार कर रहे थे, इसी में बंद हो जा रहा था। कल हम लोग आए थे मिट्टी लेने, वहाँ घर लिपने वाला। और देखिए इधर पानी कम है, पूरा बरसात में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वहाँ देखिए पंपू सेट चल रहा है, तभी चलते हैं दोस्तों ऊपर। हाँ चप्पल पहन लेंगे। चलते हैं दोस्तों, अब खेत में पहुंचेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए। और दोस्तों देखिए हम नदी वहाँ छोड़ दिए बहुत पीछे, और आ गए हैं नदी से लगभग नगदे दूर आ गए हैं दोस्तों। और दोस्तों देखिए हम आ गए इधर खेत में, जौन सा खेत को भटाना है, ये वाला है पूरा, तो बड़ा है। और इधर देखिए कहाँ तक है, तो इसी में काम करना है दोस्तों। तो अभी लग जाते हैं काम पर, क्योंकि जल्दी जल्दी करेंगे तभी होगा, बहुत बड़ा खेत है। तो मिलते हैं दोस्तों इसको भटाने के बाद, देखते हैं कि कब तक होता है। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और देखिए दोस्तों इतना अभी भटा दिए, देखिए इधर का, यहाँ चारों तरफ गन्ना ही गन्ना है। तो देखिए इधर का सब भटा दिए हैं दोस्तों, ये पूरा इधर वाला, ये पूरा देखिए सबको भटा दिए हैं। और आगे जो है इसको भी भटाएंगे, तो अभी प्यास लग गया है। और देखिए अर्चना नहीं पानी लेके आई, और अर्चना के मम्मी को भी बोले थे कि पानी वानी लेके आइएगा। और इधर प्यास लगा है, तो समझ लीजिए चारों तरफ गन्ना ही गन्ना है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। और धूप बहुत तेज़ हुआ है, तो अभी देखते हैं थोड़ा और भटाते हैं जब तक वो लोग आ रहे होंगे। और दोस्तों देखिए इतना हम भटा दिए हैं इधर का, और देखिए अर्चना की मम्मी खाना लेके आ गई, देख लीजिए नदी पार करके, वो भी छोटी को लेकर के, देख लीजिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देख लीजिए दोस्तों, इधर आ जाइए, गोवा में मत चलिए। देख लीजिए छोटी को लेकर के आई हुई है, और ईद देखिए झोला में खाना है। बाप रे, आ जाइए आ जाइए।
आ जाइए दोस्तों। अभी देखिए इतना ये सब भटाए हुए हैं, देख लीजिए इतना ये सब भटा दिए हैं और थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो अभी दोस्तों पहले खा लेते हैं, उसके बाद से इसको भटाएंगे जल्दी से। और थोड़ा सा यहाँ पर कहाँ बैठ जाया जाए, यहीं पे बैठिए, यहीं पे ठीक रहेगा दोस्तों। यहीं पे हम लोग, मतलब धूप थोड़ा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, यहीं पे बैठ के खा लेंगे। बैठ जाइए उधर। और दोस्तों देखिए हमारा भात तरकारी दाल तीनों पॉलिथीन में खाली कर दिए हैं, परोस लिए हैं। और आप भी खाइएगा, हाँ कह रही हैं कि नहीं, खा करके आई होंगी घर से। तो दोस्तों अभी देखिए इधर पानी डब्बा में, ये देखिए एक गिलास पानी हो गया दोस्तों। और दोस्तों अभी इसको पहले खा लेते हैं, उसके बाद से काम करेंगे दोस्तों। भूख तो बहुत तेज लगा हुआ है। मेहनत का काम करने पर खूब भूख लगता है और पाचन शक्ति एकदम तेज रहता है, कुछ भी खाइए पच जाएगा। मेहनत करिएगा तब, नहीं तो नहीं। और दोस्तों देखिए खाना पूरा साफ हो गया है, का है खाओगी। और दोस्तों देखिए इधर थोड़ा सा भात रखे हुए हैं कौवा महाराज लोगों के लिए, देखिए यहाँ थोड़ा सा भात रख दिए हैं, उधर रख देंगे क्योंकि कौवा हुआ चिड़ै जानवर रहता है तो वो खा लेगा अपना, तो उधर अभी रख देंगे। और चलते हैं दोस्तों काम पर लग जाते हैं, ये सब भटा दिए हैं टोटल, इधर का थोड़ा सा और बचा हुआ है। और दोस्तों भटा करके हम लोग जल्दी से घर भाग जाएंगे क्योंकि रात हो जाएगा। और इधर पूरा सुनसान जगह है, कोई है नहीं, इधर पूरा सरे है नदी की तरफ, तो इधर हम ही दो प्राणी हैं, तो इसीलिए अभी जल्दी जल्दी मार देते हैं और भागते हैं घर, है ना छोटी? हाँ अच्छा, हंस रही है, बहुत हंस रही है देखिए। और रात में बहुत रो रही थी। तो दोस्तों अब चलते हैं, फाइनल करते हैं। अर्चना की मम्मी उधर देखी हुई हैं, वहाँ पर पतई है, ऊँह का पतई, तो लकड़ी मतलब लावना खाना बनाने के लिए उसको बोझा बनाएंगी अभी, जब तक हम इधर का भटा लेते हैं, दो तीन गो खोहा और है। और दोस्तों देखिए इधर पूरा खेत हमने भटा दिए हैं, थोड़ा भी बाकी नहीं है, सब फाइनल हो गया दोस्तों। और एकदम शाम हो गया और हमारी छोटी हंस रही है, फाइनल हो गया तो हंस रही हो। और देखिए दोस्तों सूर्यदेव डूबने जा रहे हैं, देख लीजिए इधर एकदम शाम हो गया है। अब जल्दी से हम लोग भागेंगे। और ये पतई है दोस्तों, ये एक बोझा हम लोग रख लिए हैं इस पर बांधने के लिए, अभी बांध लेंगे इसको और लेके चलेंगे घर जल्दी से। पकड़िए मोबाइल, हम बांध दें इसको। हाँ, जामा इसको ओढ़ा दिए हैं, ठंडा लग रहा है, स्वेटर ये नहीं लेके आई थी, ये समझी कि तुरंत लौट जाना है, तो हाँ नहीं लेके आई हैं, ठीक है पकड़े रहिए। और दोस्तों देखिए इधर पतई हम उठा लिए हैं, इतना बड़ा बोझा, अर्चना की मम्मी है। और हम लोग अब चलेंगे घर की ओर, और कुदारी भी लेना है दोस्तों हाथ में, कुदारी ले लिए हैं, दे दीजिए हमको। और दोस्तों कुदारी भी ले लेते हैं हम, और हाँ पकड़िए इसको, आप दिखाइए आगे चलिए, छोटी हंस रही है। हाँ चलते हैं दोस्तों, अब कुदारी देखिए ले लिए हैं, और छोटी को ठंडा लग रहा है तो अपना शर्ट खोल के दे दिए हैं। और उधर देखो मोबाइल में देखो, इधर देख रही है दोस्तों हमारे तरफ। तो दोस्तों अभी नदी को पार करना है, हम लोग पहुंच गए हैं नदी पर, देख लीजिए ये पानी पानी पूरा, तो आ गए हैं अब इसको पार करेंगे दोस्तों। और देखिए पवन उस पार घूम रहा है, पवन ए रुको मत, नाई लेके आवा उस पार, देखिए घूम रहे हैं पवन वहाँ पर, ए हाँ देखिए वहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों नाव नहीं है, अभी हम लोग पानी पार करेंगे, तो पहले ये जो लिए हैं इसको पार कर दें। हाँ तो दोस्तों अभी नदी पार करते हैं, देखिए चप्पल उप्पल इधर रख देते हैं, उधरे आप रहिए, आ रहे हैं इसको रख के। और देखिए दोस्तों यहाँ पर है पानी, तो उतना ज़्यादा इधर नहीं है लेकिन आगे चल के बहुत ज़्यादा है, देखिए दोस्तों इतना पानी है अभी। और मुड़ी पर पतई लिए हुए हैं, अरे साला बढ़ गया इधर, ओ हो देखिए दोस्तों पूरा इतना पानी हो गया, ओ
और इस समय ठंडा हो गया है दोस्तों एकदम। देखिए दोस्तों पार हो गए, अब पता ही इधर रख देते हैं और तब चलेंगे तो छोटी को लेके आएंगे। रख दिए। अ पवन, पवन भी यहीं पे है, आवा हो भैया रहा कंजे चलो तला। और देखिए छोटी उस बगल है तो अभी चलते हैं दोस्तों, उसको भी लेके आते हैं। और देखिए पूरा इतना पानी है जांघा भर और साफ पानी है देखिए। और दोस्तों देखिए इधर नदी पार कर लिए हैं, पवन जी भी इधर घूम रहे थे और अब चलेंगे हम लोग घर। तो घर पहुंचते हैं फिर दिखाते हैं आप लोगों को, एकदम शाम हो गया है। और दोस्तों देखिए हम लोग घर पर पहुंच गए हैं और गाय आवाज़ सुनकर चिल्ला रही है और अर्चना भी इधर खेल रही थी। तो दीजिए इधर मोबाइल। हाँ देखिए इधर अर्चना है और रुक जाइए इसको यहाँ पटक देने दीजिए। देखिए दोस्तों हम लोग आ गए घर पे। हाँ और गाय हमारी चिल्ला रही है दोस्तों। और दोस्तों देखिए इधर बाबू भी आ गया और अर्चना भी आ गई और हम लोग अब नहाएंगे, कोई हाथ पैर धोएगा। तो दोस्तों ये ब्लॉग हम लोग यहीं पर रखते हैं और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बाय करो सभी लोग। बाय दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।